हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं हमारी डीप फ्रीज की गाइडलाइंस का। हम लोग रेस्टोरेंट्स के अंदर जॉब करते हैं तो डीप फ्रीज हमारा एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है किचन के अंदर। अब डीप फ्रीज का जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा -18, और जितने भी हमारी फ्रोजन चिकन आता है, फ्रोजन हमारी जो फिश आती है, आइसक्रीम्स आती है, फ्रेंच फ्राई आती है, ग्रीन पीस हो गया, कॉर्न हो गया, और इस प्रकार की चीजें वो हम लोग अपने डीप फ्रिज के अंदर रखते हैं। बट इसकी भी जो गाइडलाइन है कि भाई किस तरीके से हमको उसको यूज करना है, तो वो सारी की सारी जो पॉइंट्स है मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक पोस्टर भी नजर आ रहा होगा। अब सबसे पहला यहाँ पे ओनली फूड दैट आर सप्लाइड फ्रोजन आर अलाउडेड टू कीप इन द डीप फ्रिज। अब जो भी आइटम बाहर से आपको फ्रोजन आ रहे हैं सिर्फ उनको ही आपको फ्रोजन करना है। ऐसा नहीं है कि बाहर से टमाटर आएंगे और आप इसके अंदर रख दोगे, तो टमाटर आपके यहाँ नहीं जाएंगे, टमाटर जाएंगे आपके चिलर के अंदर, ठीक है। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो मीट आ गया, जैसे आज हमारे पास सुबह चिकन आ गया, तो डायरेक्ट आपको चिकन वहां नहीं रखना है। चिकन को या तो आपका मैरिनेट होगा या जो आपके शेफ ने बोला होगा इसको प्रॉपरली काट के इसके पोर्शन बना के तब आपको फ्रीजर या अपने डीप फ्रीजर के अंदर आपको रखना है। दूसरा है यहाँ पे पैकेज फूड एडुकेटली टू प्रिवेंट फ्रीज बर्न। अब यहाँ पे फ्रीज बर्न एक शब्द है। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने घर में भी कभी देखा होगा, आपने कोई एक अपना टमाटर का पीस अपने फ्रोजन वाले एरिया में रख दिया जहां पे कि हम लोग बर्फ जमाते हैं। आप देखेंगे दूसरे दिन के बाद वो पत्थर जैसा हो जाएगा, आप किसी का सर भी फोड़ सकते हैं, ठीक है ना। बट जब आप उसको थॉ कर दोगे तो बिल्कुल पिलपिला हो जाएगा। या आपने कोई गोभी रख दी है, जब वो थॉ हो जाएगी और उसका आप देखोगे ना बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, एकदम ऐसा हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीज बर्न बोलते हैं। तो डायरेक्ट आपको अपने सामान को ऐसे भी नहीं रख देना है कि वो फ्रीज बर्न हो जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि आपको अपने जो फ्रीजर है, डीप फ्रीजर टेम्परेचर जिसका -18 है, उसको आपको प्रॉपरली स्टॉक करके रखना है। स्टॉक करके रखने का मतलब है कि जो रोटेशन में जो पुराना सामान है हमेशा नीचे और जो नया सामान है हमेशा कहाँ पे, ठीक है जी। तो हाँ, तो हमेशा जो आपका जो पुराना सामान है नीचे और नया सामान हमेशा आपको ऊपर रखना है। तो ये तभी होगा जब आप उसकी प्रॉपरली स्टॉक रोटेशन कर रहे हो या आप प्रॉपरली उसको चेक कर रहे हो। जैसे कि हमने इस फ्रिज को एक के नाम कर दिया, जो भी शेफ यहाँ पे है, ठीक है, जैसे यहाँ पे विषकेतु है तो विषकेतु के नाम का ये फ्रिज हो गया, तो वो इस चीज का ध्यान रखेगा। उसके बाद है हमारी डिफ्रोस्ट रेगुलरली एंड क्लीन थोरोली। अब डिफ्रोस्ट आपको करना है। मैं कई सारे जैसे रेस्टोरेंट में विजिट करता हूँ तो वहां पे जो डीप फ्रीज होता है ना वो क्लीन नहीं करते हैं, तो हमको क्या लगता है कि उसके अंदर बर्फ जमने का मतलब है वो सही चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर बर्फ नहीं जमनी चाहिए, बर्फ नहीं जमनी चाहिए, बट वो ठंडा होना चाहिए। अब जब आपकी बर्फ जमती है ना तो आपके पास स्पेस कम होता जाता है, और जैसे हम लोग विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें सिर्फ इतनी सी जगह बच जाती है, बाकी आपका बर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। जैसे अगर आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर जो फ्रिज होते हैं ऊपर बर्फ ही जम जाती है, उसमें कुछ नहीं रहता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। हो सके तो हर 10 दिन में या एटलीस्ट 15 दिन में आपको एक बार अपने फ्रिज को डिफ्रोस्ट करना है। डिफ्रोस्ट करने के रूल रेगुलेशन बड़े सिंपल होते हैं, सिंपल नॉब होती है, आपको उसको ऑफ कर देना है, सामान सारा बाहर निकालना है। आपके 15-20 मिनट के अंदर पूरा आपका जो भी बर्फ है वो मेल्ट हो जाता है। एक वहां पे नीचे एक आउटलेट दिया रहता है, छोटा छेद होता है, आप उसको निकालेंगे तो सारा पानी आपका बाहर जाएगा। अंदर प्रॉपरली थोड़ा सा आपको साबुन पानी मार देना है अगर ज्यादा गंदा है, जो नॉर्मल कपड़े से भी आप साफ करोगे, हल्का सा सैनिटाइज करोगे, दोबारा से आपका सामान उसके अंदर भर दोगे। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, सिंपल एंड इजी। उसके बाद है नेवर रिफ्रीज फूड। आपको खाने को दोबारा से फ्रोजन नहीं करना है। मान लीजिए आपने 1 किलो चिकन इसके अंदर रखा है, अब आपने 1 किलो चिकन बाहर निकाला और उसको कुक कर दिया, अब हो सकता है कि उसमें से 200 ग्राम बच गया है, तो 200 ग्राम आप दोबारा से फ्रोजन नहीं कर सकते, आपको उसको पूरा का पूरा यूज करना है। या जब आप रख रहे हो तो आपको पोर्शन बना के रखना है, तो जितना आपको चाहिए होगा आपको उतना निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने चिकन बोला, तो मैं क्या करूंगा 200-200 ग्राम के पोर्शन बना लूंगा। अब मेरे को 2 पोर्शन चाहिए तो मैं 2 पोर्शन निकालूंगा, 3 पोर्शन चाहिए तो मैं 3 पोर्शन निकालूंगा। किसी भी चीज को दोबारा आपको फ्रोजन नहीं करना होता है, नेवर रिफ्रीज अगेन। इसके बाद है नेवर स्टोर फूड ऑन द फ्लोर। अब जैसे मेरा यहाँ पे फ्रीजर है, अब मैंने सामान कुछ निकाला, तो मेरे को जो भी सामान मैं निकालता हूँ, मैंने बोलता मैंने फ्रेंच फ्राई निकाला, मैंने ग्रीन पीस निकाला, तो मैं उसको कभी भी जमीन पे नहीं रखूंगा। जैसे हमने इससे पहले ट्रेनिंग करी थी कि मुझे यहाँ पे कुछ स्टूल रखना होगा या टेबल के ऊपर एटलीस्ट 6 इंच से के ऊपर मुझे सामान को रखना होगा,
कभी भी जमीन पे नीचे नहीं रखना है, फिर से वही क्रॉस कंटेमिनेशन बैक्टीरिया वायरस सेम वही वापस से कहानी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, हमको जो 0 डिग्री फारेनहाइट या -18 दोनों एक ही होता है, एक फारेनहाइट में एक सेल्सियस में है। हम यूएस यूके इंडिया की बात करें तो हर जगह सबका अपना अपना हिसाब किताब है, तो बेसिकली -18 होना चाहिए। -18 का मतलब होता है कि भैया बर्फ जमनी चाहिए, बर्फ जमने का मतलब बर्फ जमना नहीं, प्रॉपरली ठंडा होना चाहिए। इसके टेम्परेचर देखने के लिए या तो आप उसके अंदर थर्मामीटर रखोगे, या ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है तो इवन वहां पे आपका डिस्प्ले रहता है तो वहां पे आपको दिखाता रहेगा। अगर आपका टेम्परेचर -18 नहीं हो रहा है तो आपके जो शेफ हैं, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, ऑनर है, कोई भी है, सबको आपको इन्फॉर्म कर देना है कि भाई ये नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो सामान होगा कई हजारों का लाखों का होता है और जिसको कि खराब होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक था कि किस प्रकार से आप अपने डीप फ्रिज को प्रॉपरली यूज करोगे, क्लीन करोगे। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे आपको जरूर लिखने हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।